बेगूसराय जिले के खुदाबनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुदाबनपुर परिसर में गुरुवार को सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन वीडियो राघवेंद्र कुमार एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पी के सिंह ने कहा कि 15 से 29 जुलाई तक चलने वाले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत सीएससी में ओआरएस और जिंक कॉर्नर का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने डायरिया से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने एवं टोले मोहल्लों में साफ सफाई रखने के संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया आशा कार्यकर्ताओं को दिया। वहीं वीडियो राघवेंद्र कुमार ने क्षेत्र के सभी आशा कार्यकर्ताओं को हर घर में 5 वर्ष तक के बच्चों को ओआरएस पहुंचाना आशा की जिम्मेदारी बताया। साथ ही वे पखवाड़े के दौरान खुद क्षेत्र का भ्रमण कर इसकी मॉनिटरिंग करने की बात कही। इस मौके पर पीरामल फाउंडेशन के बीटीओ शशिकांत मिश्रा ने कहा कि बच्चों में होने वाले डायरिया बीमारी से बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही डायरिया से ग्रसित बच्चों की पहचान कर उन्हें ओआरएस और जिंक उपलब्ध कराने का निर्देश आशा कार्यकर्ताओं को दिया। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय के खुदाबनपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। पानी का मात्रा अनुपात सही होगा और डिहाइड्रेशन कंट्रोल जरा अच्छी अच्छा बच्चा पीते रहेगा 24 घंटा तक चल सकता। चम्मच से ऐसे तो बच्चे नहीं पीते हैं, तो चम्मच से ले लेते हम थोड़ा थोड़ा उसको देंगे कि ताकि बच्चा के मुँह में चला जाए, ठीक है। इसके बाद साथ में जिंक टेबलेट भी देते हैं। ये क्या है? ये क्या ये है पानी, शरीर में पानी है, निर्जलीकरण है इस बच्चा का, निर्जलीकरण हुआ है, इसमें पानी की पूर्ति हो गई। इसके साथ और क्या देना होता है? जिंक 2 महीना से 6 महीना के बाद 10 ml, 6 महीने से 5 साल तक 20 ml। तो उसका जैसे आप स्किन के दबाते हैं तो एकदम चिपक जाता है, और जो अच्छा है जैसे हम लोग कितना भी दबाएंगे तो वापस हो जाएगा, उसका बहुत धीरे धीरे वापस हो जाएगा, मतलब पानी देर से निकल गया है। और ये ओआरएस के द्वारा हम लोग पानी सर, ये जो सीट है सर 6 साल पहले बीबीसी द्वारा बनाया गया था और हर ब्लॉक में एक एक उपलब्ध है, डायरिया किट होता है। इसमें जो डायरिया क्या है उसको उसके लिए एक किट है, यहाँ पर 4 प्रोसेस है कि पहले पहचानने जाने पिलाओ और खिलाओ। यदि 3 बार से पतला पैखाना होता है तब हम इसको डायरिया कह सकते हैं। ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है यदि सही समय पर इसकी पहचान नहीं की जा सके तो, और फिर अगर पहचान हो जाती है कि बच्चे को डायरिया है तो उसी समय तुरंत हम ORS का घोल उसको उपलब्ध करा दें और 14 दिनों तक जिंक की गोली। उदाहरण के लिए सर, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बच्चा है जो कि स्वस्थ है और गलती से अगर उसे डायरिया हो जाती है, उसके शरीर से पानी का निर्जलीकरण होता है इस तरह, तो धीरे धीरे पानी का निर्जलीकरण होने के बाद कुछ समय बाद वो हम देखते हैं कि बच्चा के शरीर का पूरा पानी निर्जलीकरण हो गया और वो फिर बच्चा इस तरह से दुबला पतला और कमज़ोर हो जाता है। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें, अगर हम सामने में देखते हैं कि यह बच्चा स्वस्थ था और अगर उसको डायरिया हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है, तो इस तरह से वह बच्चा कमजोर हो जाता है, उसके मरने की संभावना बन जाती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम बच्चे को समय पर ORS देना शुरू करें। अब ORS के लिए हम लोग सर 1 लीटर का ये बोतल लेते हैं जिसमें 1 लीटर पानी औसतन मान लेते हैं। परिवार को यह समझाना है कि जो घर में पीने का पानी है उसको पहले आप उबाल लें, फिर उसे ठंडा होने दें और उसमें 1 पूरा पाउच मिला करके आप ORS का घोल इस तरह तैयार कर लें। और फिर बच्चे को जब भी दस्त होता है, दस्त के बाद जो आपका प्लान ए में कहा जाता है कि उम्र के अनुसार बच्चे को कितनी मात्रा में ORS देना है, जिसके लिए छोटा सा पंपलेट भी आप लोग को उपलब्ध कराया गया, उसके अनुसार से प्रत्येक दस्त के बाद बच्चे को ORS देना जरूरी है। ये ORS बच्चे के पैखाना के साथ जो शरीर से लवण या अन्य पोषक पदार्थ पानी जो कमी होती है उसकी यह तत्काल पूर्ति करता है, और 14 दिनों तक जो जिंक की गोली है वह भी साथ में देना। इसके अतिरिक्त यदि बच्चा में निर्जलीकरण बहुत ज़्यादा हो गया हो या बच्चा की का स्वास्थ्य लग रहा है कि सुधार नहीं हो रहा है, उस स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य संस्थान के लिए बच्चे को क्षेत्र से रेफर करें। तो सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के अंदर में हमारा 15 दिन प्रत्येक 0 से 5 साल तक के वैसे बच्चे जिन्हें डायरिया है अथवा डायरिया नहीं है, प्रत्येक बच्चे के पास यह ORS का जो पैकेट है यह पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।
और साथ ही परिवार को जागरूक करना है। यदि बच्चे को दस्त होता है, डायरिया होती है, तो हम तुरंत ORS देना शुरू कर दें और फिर स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य संस्थान से, ANM दीदी से, आशा दीदी से मिल करके हम बच्चे का जो है देख रेख, डायरिया से ग्रसित बच्चे का रेफर या जो भी सुविधा हो सका उस बच्चे को उपलब्ध।